हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्क्रीन के द्वारा डोमिंग स्टिकर जो बनते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। और संदीप जी आपको पूरी जानकारी देंगे। ये वेट मशीन है क्या संदीप जी? ये वेट मशीन है ना? हाँ। तो इसमें आप कैसे स्टिकर बनाएंगे सर? पहले इसको हाँ जीरो करेंगे। हाँ। फिर ये हार्डनर है। ये क्या बोलते हैं इसको? हार्डनर। अच्छा, ये हार्डनर है, इसको वजन करेंगे। अच्छा, हार्डनर का वजन करेंगे, ठीक है। कितना वजन, कितने स्टिकर में कितना? सर एक बार ये मिक्सिंग करनी पड़ेगी पहले। अच्छा, जैसे ये 160 162 ग्राम हो गया अभी। फिर इसको सर जीरो, फिर जीरो करेंगे तो दूसरा भी 162 ही होगा। हाँ। इस केमिकल का नाम क्या है? इसका डोमो के ये स्टिकर बोलते हैं सर। नहीं, केमिकल जो आप डाल रहे हो इसमें, केमिकल का नाम क्या है? केमिकल का? हाँ, ये रीजन है। अच्छा, रीजन। हाँ, और वो हार्डनर है। तो इसमें ये भी 160 ही होगा। हाँ, 162। एक आध पॉइंट ऊपर नीचे चल जाता है। अच्छा, मतलब बराबर ही क्वांटिटी होनी चाहिए। हाँ, बराबर होना चाहिए। 2-4 ग्राम अगर ऊपर नीचे हो जाएगा चल जाएगा। ये हो गया 162 हो गया, 164 हो गया, चलेगा। हाँ, चलेगा। इसके बाद मिक्सिंग होगा। इसके ये केमिकल के जो ड्रम रखे हैं ये दोनों यही है? हाँ, दोनों यही है। अच्छा, ये इनकी रेट कितने के होंगे? एक में कितना लीटर आता है एक ड्रम में? सर ये इसकी वजन है 11-11 किलो की। 11-11 किलो के। हाँ। तो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट क्या होगी इसकी? कॉस्ट है ये 700 रुपये के जी है सर। 700 रुपये के जी, बहुत कॉस्टली है। हाँ। ठीक, अब इसके बाद क्या प्रोसेसिंग होगी? सर वो प्रोसेसिंग हो रही है। तो इस केमिकल को मिलाया जाएगा? हाँ। तो कितनी देर तक इसको मिलाएंगे? 5 मिनट। अच्छा, कम से कम 5 मिनट तक इसको मिलाना पड़ेगा, ठीक है सर। जब 5 मिनट तक मिलाते हैं तब तक हम दूसरी कार्रवाई करते हैं। आप बताएंगे इनके बारे में, ये जो स्टिकर लगे हुए हैं थोड़ा निकाल के दिखाएं। हाँ, अच्छा ये स्टिकर है, ये भी ये किसी केमिकल के द्वारा बने हुए हैं? हाँ जी। इस स्टिकर को क्या बोलते हैं? डोम का स्टिकर है ना। तो इसमें जो बड़ी बड़ी प्लेटें लगा रखी है आपने, थोड़ा प्लेट निकाल के दिखाओगे? पूरा ट्रे निकाल के। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, ये पूरे स्टिकर लगे हुए हैं। देखिए पूरे डोम के स्टिकर लगे हुए हैं, ठीक है, रख दीजिए। ये ट्रे में सूखने के लिए सभी लगा रखे आपने, ये अलग स्टिकर हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, अब आप इसको केमिकल मिलाइए। और ये जो सिद्धू जी, ये जो स्टिकर लगे हुए हैं शीशे के ऊपर, हाँ जी, इनमें केमिकल मिला रखा आपने? हाँ। तो केमिकल मिला करके आप इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे डोम के स्टिकर हैं जो पूरे उभरे हुए लग रहे हैं, बहुत ही महंगी महंगी मशीनों में लगते हैं, बहुत ही सुंदर स्टिकर हैं ये। और ये इसकी प्रक्रिया चल रही है इस केमिकल को मिलाने की। सिद्धू जी ये दिखाएंगे स्टिकर क्या, पहले ये कैसे बनाते हैं? पहले सर पहले प्रिंटिंग हुआ है विनाइल पे। अच्छा, ये विनाइल प्रिंटिंग है? हाँ। बिल्कुल सिंपल पेपर पे। हाँ, सिंपल पेपर पे। हाँ। उसके ऊपर सर चढ़ेगा ये केमिकल। अच्छा, विनाइल प्रिंटिंग के ऊपर ये मोटा हो जाएगा। बिल्कुल मोटा हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो कुछ थोड़ा एक स्टिकर दिखाएंगे, थोड़ा एक जो जो बिल्कुल क्लियर बन के उभरा हुआ हो। हाथ में जो पता लगे आपने सैंपल निकाल के रखे होंगे ना, ये स्टिकर, ये बिल्कुल मोटा है इसकी, देखो। अच्छा अच्छा जी, ये बिल्कुल अच्छे। इस स्टिकर को बनाने की जो प्रोसेसिंग कार्रवाई में 2-3 दिन का समय लगता है। हाँ जी। अब मिक्स हो गया होगा? मिक्स सर 5 मिनट करना पड़ता है कम से कम। हाँ, नहीं वो तो आपको पता लग जाता हो ना मिक्स हुआ कि नहीं हुआ है।
हाँ पता लग जाता है। और ये आप इसको इसमें डाल रहे हैं, इसमें डालने का मकसद क्या है सर? इसी से डालेंगे ना मुझ पे। अच्छा इसी से डालेंगे। सिद्धू जी इस स्टिकर को तैयार कर रहे हैं और अब हमें ये बताएंगे सिद्धू जी। मुझे बिल्कुल नजदीक करने दीजिए, दिखाते कैसे दिखाने ये। अच्छा आप डालिए, मतलब आप इसमें धीरे धीरे गोलाई करके डालेंगे। हाँ जी। तो ये क्या सभी जगह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अपने आप ही? अपने आप चला जाएगा। अच्छा ये है शीशा, ये शीशा है, इसको ऐसे रखेंगे सर। ठीक है, आपने शीशा ये रख दिया, ये स्टिकर लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो मिश्रण है दोनों केमिकल का, हाँ जी, इसको सूखने में और उभरने में 2 से 3 दिन का प्रोसेस है। हाँ। सिद्धू जी कोई भी अगर आपसे स्टिकर मंगवाएगा तो आपको ऑर्डर देगा वो। हाँ जी। और आप ऑल इंडिया में सप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी। इस शीशे पे अलाइनमेंट कर रखा होगा आपने? हाँ जी सर, लेवल किया हुआ वाटर लेवल से। वाटर लेवल से अलाइनमेंट अगर ना करेंगे तो क्या होगा सर? एक साइड हो जाएगा केमिकल और बाहर आ जाएगा सारा। अच्छा स्टिकर बाहर आ जाएगा फिर। अब स्टिकर बाहर नहीं निकल सकता ना, जो इसमें जो आप जो केमिकल्स डाल रहे हैं? नहीं सर, ये बिल्कुल सेट किया हुआ है लेवल इसका, तो इस वजह से बाहर नहीं जाएगा। वेरी गुड। अब इसको आप वहीं रखेंगे वापस उठा के। अच्छा इसको क्या कहते हैं? वाटर लेवल सर। अच्छा ये वाटर लेवल ही हाँ, जरूरी है? हाँ जरूरी है। वो ना सेट किया हुआ है। सेट किया हुआ। गुड। मुझे थोड़ा और भी 2-4 स्टिकर हैं आपके पास ऐसे जैसे उभरते हुए रखे हो कोई बने हुए? सर बने हुए सारे ही हैं ये। अच्छा ये सारे? हाँ ये सारे डोम के स्टिकर ही हैं। डोम के स्टिकर हैं। हाँ, सारे उभरे हुए हैं। देखो थोड़ा मैं नजदीक से अगर, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर स्टिकर लग रहे होंगे तो आप काफी सप्लाई करते होंगे आप इनकी, जैसे डॉक्टर ट्रस्ट है तो यहां से काफी ब्रांडिंग, तो दिखने में भी कितने अच्छे लगते हैं। ये सभी स्टिकर उभरे हुए हैं मतलब? हाँ जी। इनको बनाने में 2 से 3 दिन की विधि लगती है। और इसके बाद आप इनको यहीं रखेंगे शीशे के ऊपर? हाँ सिद्धू जी। सिद्धू जी आप इस स्टिकर के बारे में क्या कहना चाहते हो? अगर कोई आपसे इंडिया में कहीं से भी कोई ऑर्डर देता है आपको कि भाई ये मुझे स्टिकर चाहिए, तो आप उनको कितने दिन में प्रोवाइड करा देते हैं डिजाइनिंग से लेकर के? ऑर्डर आएगा वो 1 हफ्ते का टाइम चाहिए होगा सर। अच्छा डिजाइनिंग वगैरह का और भी चीज का प्रोसेसिंग में टाइम लग जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दोस्तों ये मिस्टर सिद्धू हैं जो डोम के जो स्टिकर बना रहे हैं, जो उभरे बहुत ही अच्छे स्टिकर लगते हैं। और आप भी अगर अपनी कंपनी के लिए बनवाना चाहते हैं या अगर सीखना चाहते हैं बनाना, तो आपकी पूरी मदद करेंगे। और इसकी कॉस्टिंग क्या कितनी कह सकते हैं सिद्धू जी, कितने रुपए की होगी जो आप स्टिकर आप बना रहे हैं? सर एक्सपायरी के हिसाब से चलता है ये, 2 रुपए एक्सपायरी से सर, स्क्वायर इंच के हिसाब से। हाँ तो अभी जो आपने स्टिकर जो बना रहे हैं इसका क्या साइज होगा? इसका सर 1.5x1.5 का है सर। यानी 1.5x1.5 कितना स्क्वायर इंच हो गया? डेढ़ बाई डेढ़ 3 तो नहीं होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा सर। उसके बाद आप यहां इनको सेट करेंगे? हाँ जी। तो दोस्तों ये जो मैं आज आपको बता रहा था, डोम के जो स्टिकर जो बहुत ही अच्छे लगते हैं, और इनको इनको अगर आप कहीं पर भी लगाते हैं, अगर ऑर्डर देना चाहते हैं, तो सिद्धू जी ऑल इंडिया में इसकी सप्लाई करते हैं।
आप ऑल इंडिया में इस प्रकार के स्टिकर बनवा सकते हैं। अगेन दोस्तों, डोम का स्टिकर अगर आपको बनवाने हैं तो आप हमें लिख के भेजें। सिद्धू जी का नंबर होगा इसमें, आप सिद्धू जी के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट बार ऑर्डर देने में आपको कम से कम एक हफ्ते का समय लेके चलेंगे, अगली बार आपको जल्दी मिलेंगे। और ये सिद्धू जी की पूरी टीम है, ये इनके असिस्टेंट हैं, इनके मैनेजर हैं, ये इनकी पूरी टीम बैठी हुई है। अगेन दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, इसी में कोई हम सिद्धू जी के साथ में कोई अच्छा सा और वर्क के साथ। अगेन दोस्तों, जय हिंद।